अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डेलीगेट्स। अच्छा, डेलीगेट का मतलब क्या होता है कि अपनी जिम्मेदारी जो है किसी और को दे देना कि भाई तुम ये काम करो। जैसा अमूमन कंपनीज में भी होता है कि एक बॉस है, उसके आगे जो है वो एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जैसा मैनेजर हो गए या सुपरवाइजर हो गए। तो क्या बॉस क्या करता है कि अपनी एक कोई भी एक जिम्मेदारी किसी और को दे देता है कि भाई ये काम तुम करो, मैं किसी और काम में बिजी हूँ। प्रोग्रामिंग में भी इसी तरह डेलीगेट होते हैं कि एक फंक्शन है, उस वो आगे से डेलीगेट्स बना सकता है कोई भी इनका कोई काम करना है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का मकसद है कि एक फंक्शन है, वो अपनी जिम्मेदारी एक और रूटीन कह लें या फंक्शन कह लें, जो जिसको हम डेलीगेट कहते हैं, उसको जिम्मेदारी देता है कि ये काम तुम करो, मैं कोई और काम कर रहा हूँ, मैं किसी और काम में इस टाइम बिजी हूँ, ठीक है। तो इनका मकसद क्या होता है कि कॉल बैक्स क्या होती हैं। कॉल बैक्स वो होती हैं कि मतलब कि फ़र्ज़ करें आपने एक सर्वर को कॉल किया, आपके फंक्शन ने एक सर्वर को कॉल किया, और वो सर्वर हो सकता है एक सेकंड के बाद जवाब दे, या हो सकता है वो 10 सेकंड के बाद जवाब दे। वो उस काम करने के बाद, मतलब उसको एक सर्वर को आपने काम दिया कि ये काम करो, या कोई डाटा अपडेट करो, या कोई डाटा रिट्रीव करो और मुझे डाटा वापस दे दो, ठीक है ना, या कन्फर्मेशन मुझे वापस दे। तो आप क्या करेंगे, एक डेलीगेट साथ भेज देंगे उस फंक्शन को कॉल के साथ। तो जब वो सर्वर काम कर लेगा, तो जब वो आपको वापस रिस्पांस देगा, जो आपने डेलीगेट दिया होगा कि भाई जब जवाब आए तो इस जवाब मेरा जवाब जो ना इस बंदे को या इस फंक्शन को दे दो, ये मुझे नोटिफाई कर देगा, ठीक है, कि मुझे जवाब मिल चुका, ठीक है ना। तो अब इसको मैं आपको इस तरह समझा देता हूँ कि जैसा एक व्हाट्सएप आप यूज़ करते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप में आप एक मैसेज करते हैं, कभी कभी होता है कि वो उसके साथ एक जो है चेक आपका मैसेज आया उस सेंड हुआ या नहीं हुआ, उसके साथ एक चेक बॉक्स आ जाता है यूजली, ठीक है ना। तो कभी कभी वो फ़ौरन आ जाता है, कभी कभी वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद आता है। तो क्या होता है कि आप उन्होंने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है, उन्होंने मेरे ख्याल में एक फंक्शन बनाया होगा और साथ एक डेलीगेट होगा। फंक्शन क्या है कि जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो वो आपके उनके व्हाट्सएप के शायद सर्वर में जाता होगा। अब सर्वर में को जब मैसेज रिसीव हो गया, जब वो उसके बाद वो डेलीगेट को कॉल करेगा कि हाँ जी ये मैसेज मुझे रिसीव हो गया है और सब कुछ ओके है। कभी कभी ये भी होता है कि वो डबल चेक बॉक्स आ जाता है, तो वो उधर एक और डेलीगेट भी होगा जो कि इस मैसेज को रिसीव कर रहा होगा, क्या जो आगे जो रिसीवर है उसने वो मैसेज रिसीव किया या नहीं, ठीक है। तो डेलीगेट्स का क्या मकसद होता है, इधर हम वापस जाते हैं। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मेथड, आप एक अलहदा फंक्शन या मेथड को कॉल करने के बजाय आप एक डेलीगेट बना देते हैं, और वो मतलब कि आपके फंक्शन का हिस्सा होता है, लेकिन वो आपका जो है ना सबऑर्डिनेट होता है किसी, ठीक है। तो कंट्रोलिंग थ्रेडिंग क्या होती है, अच्छा डेलीगेट्स की मदद से आप थ्रेड्स भी बना लेते हैं। फर्ज करें आपके पास 1000 बंदों का डाटा है, ठीक है ना। तो वो ये फिजिबल नहीं है कि आप जो ना 1000 बंदों, हो सकता है वो डाटा किसी सर्वर में अपडेट होगा, ठीक है ना। तो आप एक एक करके 1000 बंदों का डाटा अपडेट करें, इससे बेहतर यह है कि आप उसको थ्रेड्स में तकसीम कर दें। थ्रेड का क्या मतलब है कि आप ना एक थ्रेड में 50 बंदों का डाटा भेज दें कि ये जो ना ये थ्रेड है ये 50 बंदों का डाटा अपडेट करेगी, एक और थ्रेड है वो 50 बंदों का। इस तरह आप जो ना डाटा को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट थ्रेड्स में, हर थ्रेड अपना अपना डाटा वो जो 50 बंदों का डाटा है अपना अपना वो अपडेट करवाएगी, उसके बाद कॉल बैक में आपको जवाब मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जब हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको सही समझ आएगा डेलीगेट्स का। अभी आप व्हाट्सएप को की मिसाल को समझ लें कि अब जैसा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि
जब आपका मैसेंजर है या आपका फ़ोन है या आपका सॉफ्टवेयर जो पीसी पे इंस्टॉल है, तो सर्वर पे मैसेज आता है, तो सर्वर जब को मैसेज जब रिसीव हो गया तो वो कन्फर्मेशन देता है वापस, तो आपका जो डेलीगेट है वो उस कन्फर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद फिर वो चेकबॉक्स लगा देता है कि ये मैसेज हाँ जी ठीक है जी, तो सर्वर पर चला गया और आगे यूज़र को भी रिसीव हो गया, ठीक है जी, ओके अल्लाह हाफिज़।